वहाँ बैठकर बड़े आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ अपने मन की बात को बाबा से कहने का प्रयास करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा, ओ भोला सब दुख काटो भारा। शिव कथा कर रही है, जितना मन में लगे उतना हम परमात्मा से हृदय की बात कहें। पार्वती मैया का भाग्य देखकर देवऋषि नारद ने कह दिया था कि ये इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला मिलेगा, मृगछाला पहनने वाला, जटा जूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, ऐसा पति पार्वती जी के भाग्य में लिखा हुआ। ठीक है, तुम्हारी किस्मत में क्या लिखा है ये तो वो जान सकता है। किसी संत हो, महात्मा हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, उपासक हो, साधारण मनुष्य हो, प्रत्येक, चाहे संत हो चाहे मनुष्य साधारण हो, अपने अपने कर्म का भोग मनुष्य को भोगना जरूर है। आपके कर्म का भोगोगे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब अपने अपने कर्म का भोग भोगेंगे। और कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं जो तुम्हारे दुख को काट दे। दुनिया में केवल एक ताकत है, वो है भगवान का भजन और भगवान को चढ़ाया गया एक लोटा जल, जो तुम्हारी तकलीफ को काट सकता है, तुम्हारे दुख को काट सकता है। शिव जी को समर्पित एक लोटा जल, भगवान शंकर का किया गया भजन, भगवान शंकर का किया गया कीर्तन, भगवान की गई भक्ति तुम्हारे दुख को काट सकती है। तुलसीदास जी ने भी अपने भाव में लिखा, कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलिकाल में नाम की आधारशिला को महत्व दिया है कि भगवान के नाम को जितना जपोगे उतने अपने दुख को काट सकोगे। अब
अपने दुख को काटने के लिए भगवान का नाम जरूरी है। कोई तुमसे कह दे मेरे पास में आकर बैठ जाओ मैं तुम्हारे दुख को काट दूंगा, विश्वास मत करना। दुनिया में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो किसी के दुख को काट दे। इंसान खुद अपने दुख नहीं काट पा रहा तो दूसरे क्या क्या काटेगा। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा कि तुम्हारे कोई दुख को काट देगा। तुम्हारे दुख को तुम्हें खुद काटना है। जैसे तुम्हें छींक आएगी तो तुम्हें खुद को छींकना है, तुम्हें खांसी आएगी तो तुम्हें खुद खांसना है, तुम बीमार होगे तो दवाई भी तुमको खुद खाना है। उसी तरह अपने दुख को अपन को स्वयं भगवान की सेवा कर कर भजन कर कर काट देना है, कोई दूसरा नहीं काट सकता। अपने दुख को अपन काटेंगे। पार्वती मैया के भाग्य में लिखा था, देवऋषि नारद ने कहा इनको जो पति मिलेगा मृग छाला बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, जटा जूट बांधने वाला, इनको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मैनावती ने सोच लिया मैं अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पर नारद जी ने कहा यदि तुम्हारी बेटी शंकर भगवान की आराधना करे तो वो जटा जूट बांधने वाला, वो मृग छाला पहनने वाला, वो भस्मी रमाने वाला, वो नग्न वेशधारी अगर इनका पति हो गया तो फिर कोई चिंता ही नहीं। हमने जब परमात्मा को अपना बना लिया, हमने जब भगवान को अपना बना लिया तो फिर चिंता समाप्त। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। हमने सर्वस्व यदि परमात्मा को दे दिया, अपना सब कुछ भगवान को दे दिया, अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पित कर दिया तो फिर क्या सोचना, फिर क्या विचार है? एक माता ने पत्र लिखा है, पुष्पा देवी बेसाखणा थाना गोपालपुर जिला चंपारण बिहार से आई है। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाइएगा जहां कहीं बैठी हो, जहां भी बैठी हो। पुष्पा देवी बेसाखणा, बेसाखवा लिखा है कि बेसाखणा लिखा है, थाना गोपालपुर जिला चंपारण बिहार से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला दो, ऐसा आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए, एक बार वापिस हाथ हिला दो। गुरुजी एक लोटे जल का क्या महत्व है हम क्या बताएं। मेरे पति को डॉक्टरों ने केवल एक महीने का समय दिया था, फोर्थ स्टेज का कैंसर हो गया मेरे पति को। आपके पति आए साथ में, कहाँ खड़े हैं आप? मेरे पति को एक महीने का समय दिया गया था, बिहार मुंबई सब दूर दिखा दिया था, डॉक्टर ने फोर्थ स्टेज का कैंसर कह दिया था। आखिरी का एक महीना घर में बच्चे, क्या करा जाए। हमारे पड़ोसी ने कह दिया, टीवी पर कथा आती है सुन लो, एक महीने का समय डॉक्टर ने दिया है, प्राण तो जाना है, फोर्थ स्टेज का कैंसर है गुरुजी। मैंने पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ करा। आपने कहा था रात्रि जब मेरे पति की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तब मैं शिव जी को रात्रि को ही जगाने पहुंच गई। कौन होगा जो रात को 12 बजे गुरुजी शंकर जी को जल चढ़ा देगा, पर आपके वचन पर मैं शंकर के मंदिर पहुंच गई, रात को ही जल चढ़ाकर इनको पिला दिया। एक महीने डॉक्टर ने बोले थे और वास्तव में गुरु जी इनकी तबीयत ज्यादा खराब होती चली गई। 31 बेलपत्री चढ़ाती,
शहद चढ़ाकर इनके मुंह में लगा देती। उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते। बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, घर में चार लड़की एक लड़का और पति की अवस्था ऐसी। बाबा से कह दिया, वो सियोर वाला महाराज कहता है सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, अगर मेरे पति के प्राण चले गए तो वो सियोर वाला भी झूठा है। बाबा कुछ कृपा करना। और आज मैं मेरे पति को लेकर आई हूँ, जांच कराई, पति का कैंसर समाप्त हो गया, इसलिए मैं उनको लेकर आया। दोनों आ जाओ, पति पत्नी दोनों आ जाओ दोनों आ जाओ। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्हे बाहे पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो उठा लो गिरा जा रहा उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो उठा लो। हम उस पर भरोसा करें। एक बात इन्होंने लाइन लिख दी, मैंने भी महादेव से कह दिया, या तो सीहोर वाला झूठा है या तू झूठा है, एक महीने में पति के प्राण जा रहे हैं और मैं तड़पती हुई कैसे देखूं। बाबा दूसरी जांच में तो कैंसर ठीक कर दिया, ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये दयालु, उसकी कृपा, उसकी दया। ना हम आपसे कभी मिल पाए ना मिल पाए, पर आपके पास में सारी समस्या का हल एक लोटा जल आपके पास है। आपके पास कोई शिवालय, आपके पास कोई शंकर का मंदिर होगा, सियोर वाला महाराज तुम्हारे पास में नहीं होगा, पर मेरा महादेव तुम्हारे गांव में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, पास में जो शिव मंदिर होगा, उस मंदिर में जाकर एक बार प्रणाम करना, वो सुन ले। आओ बाबू, ये बाबा ने बचा कर रखा। जिसको एक महीना दिया था वो बाबा का हाथ पकड़ लिया, पार उतर गया। ये शिव तत्व घड़ी है, उसका करो भजन। लोग कहते हैं शिव महापुराण में क्या है, हम कहते हैं दिल से सुन लेना, दिल से सुन लेना। हमें ना तो कोई विद्या आती, ना हमें कोई मंत्र आता, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं। हम तो केवल शिव जी का गुणगान कर सकते हैं और आपसे भी, आपके मुंह से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम किलवा सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। आप भी कहें, हम भी कहें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, केवल शिव तत्व। आप करो उसका गुणगान। इसी कथा के पंडाल में एक माँ अपने बेटे को लेकर बैठी है, शादी में गोली की फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में दो गोली लग गई। कहाँ बैठी है वो जिसके बच्चे को गोली लग गई? शादी में फायरिंग ऊपर हो रही थी और बेटे की छाती में दो गोली लग गई, डॉक्टर ने कह दिया मर गया। कहाँ बैठी है? अगर बैठी हो तो हाथ हिलाना। अपने बेटे को लेकर आइए, उसी बच्चे को साथ में।
और डॉक्टर ने कह दिया मर गया। बैठी हैं कहीं? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। मर गया। और पत्र है उसका भी, बच्चे का, आगे कथा में पढ़ेंगे इसको। और मालूम पड़े बेलपत्री को ले जाकर वही स्थान, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री का वही भाग उसकी छाती पर मल देना, लगा देना, और बच्चे के हृदय में फिर वापिस पुनः प्राण आ जाना, ये शिव ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। नाम है डेजी सिन्हा, सीतामणि बिहार से आई है, पटरिया थाना सुप्पी जिला सीतामणि, मोबाइल नंबर ये लिखा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। डेजी सिन्हा सीतामणि बिहार से आई हूं, पटरिया थाना सुप्पी जिला सीतामणि। जिनके बेटे को गोली लगी थी और बाबा ने जीवित रखा, यही शिव तत्व है, उसकी कृपा। पार्वती के भाग्य में देव ऋषि नारद कह रहे हैं कि इनके भाग्य में ये लिखा है कि इनको नग्नपति वैशधारी भस्मधारी जटाजूट वाला भस्मी रमाने वाला पति मिलेगा। पर भगवान देव ऋषि नारद ने कहा शिव की आराधना कर ले तो शंकर जैसा अगर पति मिल गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा, शिव मिल जाए। हम अपने घर का सदस्य देवाधिदेव महादेव को बना लिए फिर दुख समाप्त। कितने लोग हैं जो रोज शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा, जाते हो? देखो जाना चाहिए। घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, स्कूल जाने से पहले एक लोटा जल चढ़ाए। घर में पतियों से कह दो, पति से कह दो, एक लोटा जल चढ़ा कर जाना। तुम जो कमा कर ला रहे हो उसका भोग हम करेंगे, तुम जो दिन भर मेहनत कर रहे हो उसका भोग हम करेंगे, पर अपने कर्म का भोग तुम्हें खुद करना है। झूठ दुकान पर बैठकर तुम्हें बोलना पड़ता है, नौकरी में तुम्हें बोलना पड़ता है, सर्विस में तुम्हें बोलना पड़ता है, फैक्ट्री दुकान आदि। अपने घर को चलाने के लिए ऐसा कोई पुरुष नहीं जिसको झूठ नहीं बोलना पड़ता होगा। झूठ बोलना पड़ता है तो तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए एक लोटा जल चढ़ाओगे तो तुम्हारी दुख की घड़ी में वो चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारा चढ़ाया गया एक लोटा जल तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया भजन तुम्हारे सामने होगा। दुख की घड़ी में तुम्हारा किया गया पुण्य तुम्हारे सामने होगा। करो शिव का गुणगान। एक एक बच्चे की आदत, एक एक घर के व्यक्ति की आदत, एक एक प्रति व्यक्ति की आदत डाल दो। 5 मिनट लगेगा, शंकर के मंदिर जाओ, लोटा भर के जल चढ़ाओ। जब तुम जल चढ़ाओगे महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, फिर जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा, वो संभाल लेगा, वो साध लेगा। तुम बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके साथ महाराज। विवाह हुआ पार्वती जी का और शिव जी का। शंकर भगवान और माता पार्वती, जगत जननी जगदम्बा, विवाह कर आ भी गए। समय बीता, भगवान शंकर के तेज प्रताप से गंगा जी को वो तेज पुंज दिया गया और उस तेज पुंज से कार्तिकेय षडानंद जी का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ, षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ तेज पुंज से। तारकासुर एक ऐसा असुर जिसने शिव भक्ति भी करी है और देवताओं से द्रोह भी किया है,
शिव भक्ति भी करी और देवताओं से द्रोह भी रखा। पहले की कथा में आप लोगों को कहा था कि शंकर भगवान का बेर किसी से नहीं है। देवता भी देवदिदे महादेव का भजन करते हैं, असुर भी भगवान देवदिदे महादेव का भजन करते हैं, अप्सराएं भी महादेव का भजन करती हैं, गंधर्व भी देव महादेव का भजन करते हैं, सारे जो भी राक्षस हों, देव हों, असुर हों, सब भगवान देवदिदे महादेव का भजन करते हैं, भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं। हम जिसको कमजोर समझते हैं एक दिन वही बलवान होकर हमारी जिंदगी के सम्मुख में खड़ा होता है। कई लोगों की आदत रहती है कि बैकुंठ अधिपति भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा जी ब्रह्म लोक के अधिपति हैं, इंद्र इंद्र लोक के अधिपति हैं, कुबेर कुबेर के पद के अधिपति हैं। भगवान शिव को लोग केवल एक सहज मानते हैं कि ये रुद्र है, क्रोधी है, ये गुस्से का देवता है, पर कोई जानता नहीं है शंकर जैसे नम्र देव सारे देवताओं को प्रसन्न कर, ये स्पीकर बंद पड़े हैं, सारे को प्रसन्न करने के लिए आपको अंबर पीतांबर बहुत सारी वस्तुएं चाहिए रहती है, पर मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत सारी वस्तुएं नहीं, मेरे महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल एक लोटा जल चाहिए रहता है और एक बेलपत्र, एक बेलपत्र। सत्यम शिवम सुंदरम, ये कथा भी औरंगाबाद में होने वाली 1 जून से। एक बेलपत्र शिव को चाहिए रहता है मात्र। कितना बल है बेलपत्र में। कल कोई कह रहा था गुरुजी हम काठमांडू जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, पर हमारी जो पत्नी है ना उसको ये पहाड़ का जो रास्ता है ना इसमें बहुत वोमिटिंग होती है, वो गाड़ी में बैठी और उसको तकलीफ हुई, बहुत सारी दवाइयां हमने दे दी, गोलियां भी दे देते हैं तो भी होती है। तो हमने कहा एक काम करो ना, ये जो बेलपत्री है ना शंकर जी के शिवलिंग पे चढ़ी हुई एक बेलपत्री, गाड़ी में बैठने से पहले उसके मुख के अंदर कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर दे दो, उसके बाद जितनी भी गाड़ियों में बैठना खूब बैठो, एक वोमिटिंग नहीं आ सकती है। बेलपत्र कोई साधारण नहीं है, एक बेलपत्र में वो तत्व छुपा होता है, एक बेलपत्र में वो सुख छुपा होता है जो जीवन के हर पहलू में तुम्हारे सम्मुख में होता है। एक बेलपत्र कई लोग बहाना बनाते रहते हैं, मैंने ज्यादा खा लिया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है, एक कहती है मैंने कुछ नहीं खाया था ना इसलिए वोमिटिंग हो रही है। गोली खा लो तो भी हो, ना खाओ तो भी हो, तो एक बार प्रयास कर देखो ना कि एक बेलपत्री शंकर जी पे चढ़ी हुई कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर खाकर गाड़ी में बैठ जाओ, फिर मिलेंगे अगली कथा में, फिर बताना। हम उस पर भरोसा क्यों ना करें, किसी को छोटा ना माने। जब हम छोटा मानते हैं तो वो हमें तकलीफ देता है। एक बार जो 9 नंबर है ना, 9 कौन सा अंक, जम के बोलो, जम के 9 नंबर, एक बार 9 नंबर के अंक ने 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मार दिया। किसको मारा जम के बोलो जरा, 8 नंबर के अंक को थप्पड़ मारा। 8 नंबर के अंक ने 9 नंबर के अंक से पूछा तूने मुझे क्यों मारा, 9 नंबर का बोला मैं बड़ा हूं, मेरी मर्जी, मैं मार सकता हूं। अब 8 नंबर के अंक को गुस्सा आया तो उसने 7 नंबर में एक थप्पड़ दिया। 7 नंबर के अंक ने पूछा तूने मुझे क्यों मारा, मैं बड़ा हूं कुछ भी कर सकता हूं,
सात नंबर को गुस्सा आया तो उसने बोलो बोलो जम के छह नंबर में दिया। अब छह नंबर ने पूछा तो इसने, अब छह नंबर को गुस्सा आया तो उन्हें पांच में दिया। पांच नंबर ने पूछा मुझे क्यों मारा, कि मैं बड़ा हूं कुछ भी कर सकता हूं। अब पांच नंबर ने एक थप्पड़ बोलो जम के बोलो जरा चार में मार दिया। अब चार ने पूछा तूने मुझे क्यों मारा, मैं बड़ा हूं कुछ भी कर सकता हूं, थप्पड़ भी मार सकता हूं, मैं बड़ा हूं। चार नंबर ने तीन नंबर को दिया, तीन नंबर ने दो नंबर को दिया, दो नंबर ने एक नंबर को दिया। अब एक नंबर किसको मारे, उसने देखा कि मैं मारूं तो मारूं किसको, सामने केवल शून्य था, जीरो, और जीरो को देखा तो मन में आया इसको कैसे मारूं, बेचारा वैसे ही तो जीरो है, वैसे ही तो जीरो कमजोर है। अगर एक कमजोर व्यक्ति को अपन मार भी देंगे तो उसमें अपना कोई बलवान होगा क्या, मारो तो किसी पहलवान को मारो, कमजोर व्यक्ति को क्या मारो। कमजोर व्यक्ति को मारने की जगह अपने साथ चलाने का प्रयास करो। तो एक नंबर ने जीरो को नहीं मारा, उसको उठाकर अपने पास बिठा लिया। जैसे ही पास बिठाया नंबर चेंज हो गया, नंबर चेंज कितना, दस। अब नौ आठ सात छः पांच चार तीन दो, सब थर थर कांप रहे हैं क्योंकि दस सबके ऊपर बस, इनके पसीने छूट रहे, किसी को छोटा ना समझो। कब किसकी जरूरत पड़ जाए, कब किसकी जरूरत हमारे सम्मुख में आ जाए, कब कौन हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए, कब किसकी जरूरत हमें पड़ जाए, उसके स्मरण में रखिए। कमजोर को कमजोर ना समझकर उसको मारने का प्रयास ना करते हुए, उसको कष्ट देने का प्रयास ना करते हुए, उसको तकलीफ ना देने का प्रयास करते हुए, उसके अपनी लेवल में लाने का प्रयास करो कि मेरे पास क्यों नहीं आ। भाई भाई को नीचा गिराना देखना चाह रहा है, एक भाई को नीचे दिखाना चाह रहा है, एक देवरानी जेठानी को नीचे दिखाना चाहती है, जेठानी देवरानी को नीचे दिखाना चाहती है, पड़ोसी पड़ोसी को नीचे दिखाना चाहता है। हम पूरे जीवन में एक दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि उनको ऊंचा उठाने का प्रयास करो, अगर एक भी ऊंचा उठ जाएगा तो चार लोगों में छाती ठोक कर कहोगे कि वो मेरा पड़ोसी है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बंधु है, वो मेरा सखा है। दुनिया के लोगों ने देवाधिदेव महादेव को बदनाम कर दिया, कोई कहता है शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी गंजेड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी भांग पीते हैं, भंगेड़ी हैं, कोई कहता है शंकर जी चरस पीते हैं, चरेसी हैं, कोई कहता है शंकर भगवान ये करते हैं, भगवान शंकर नशा करते हैं। ईमानदारी से बोलना, अगर शंकर जी नशा करते होते तो उनकी औलाद इतनी ज्ञानवान और विद्वान पैदा होती क्या? गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता और रिद्धि सिद्धि जैसी बहु, सदानंद कार्तिकेय देवों के भी देव, सेना के अध्यक्ष सदानंद कार्तिकेय हैं, अगर शंकर भगवान नशा करते होते तो नशा करने वाले की औलाद इतनी वीर इतनी बुद्धिमान, सारे वेद और पुराण लिखने वाली, वेद व्यास जी तो बद्रीनाथ में जाकर बैठ गए, लिखने के लिए गणेश जी को बिठाया था, वो बोल रहे थे लिख रहे थे, गणेश जरा बुद्धि के देवता को जिसने प्रकट करा हो, सदानंद कार्तिकेय को जिसने प्रकट करा हो, वो नशा नहीं करता दुनिया के दुख को पीता है, इसलिए लोग उसे नशेला कह देते हैं। लोग नशेला कर देते हैं, जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मदिरा की दुकान पहुंच जाते हो, जरा सा जिंदगी में दुख आता है और आप मैखाने पहुंच जाते हो, जरा सा जिंदगी में दुख आता है
और आप शराब का नशा करने पहुंच जाते हो। बहुत दुख था इसलिए मेरा मूड करा तो मैंने पी ली, तो उसी के पास में दवाई की दुकान थी, जहर मिल रहा था, पीके बता देता। बहुत दुख था, पी ली। जरा सा दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, जरा सी तकलीफ आई और मदिरा का पान कर लिया। जीवन का सबसे बड़ा अगर सुख है जीवन में दुख आए, कष्ट आए, तब मदिरा की दुकान याद नहीं आना चाहिए। तुम्हारे जीवन में दुख और तकलीफ आए तो भोलेनाथ का मंदिर याद आना चाहिए कि वहां जाऊंगा तो दुख कटेगा। मदिरा पीने से दुख नहीं कटेगा, केवल नशे में हो जाओगे, दो चार घंटे सो जाओगे, वापस तैयार होकर दुख को झेलना पड़ेगा। तुम्हारे दुख को अगर तुम्हें समाप्त करना है, तुम्हारे दुख को तुम्हें मिटाना है, तो मदिरा पीकर नशा कर दुख नहीं कटता, भगवान का भजन कर दुख कट जाता है। मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, पर मदिरा की दुकान मत जाओ। दुख मदिरा की दुकान से नहीं कटेगा, दुख परमात्मा के भजन से कटेगा, उसकी भक्ति से कटेगा, उसके स्मरण से कटेगा। बड़ा गम में था इसलिए पी लिया, ऐसा गम महादेव से जाकर कहना कि भोलेनाथ बड़ा गम है। शिव जी कहेंगे तू क्यों चिंता करता है, भजन कर। मैं ऐसा गम तो ना जाने कितनों के मिटा दिए, कितनों के गम मिटाए। जिसको एक महीना डॉक्टर ने कह दिया, जिसको 10 साल औलाद नहीं हुई, जिसकी किडनी लीवर बेकार हो गई, जिसकी छाती में 2 गोली लग गई, कौन हो, कौन बचा सकता है? केवल एक शिव, केवल एक ओ घड़ी, और तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा भरोसा, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारा किया गया कीर्तन। वो डोलेश्वर महादेव जो काठमांडू में विराजमान है, अलमस्त होकर बैठे हैं, अलमस्त, स्वयं माता पार्वती जी डोलेश्वर महादेव में पहुंचकर, शंकर भगवान के मुख का दर्शन कर डोलेश्वर महादेव का दर्शन कर माता पार्वती जी ने अपनी मां मेनावती को भी संकल्प दे दिया था कि मेरे भाई को जो इस बाणासुर ने उसकी जिंदगी नाश करी है, इस बाणासुर को मैं सबक सिखाऊंगी। बाणासुर जब भगवान कृष्ण से युद्ध लड़ रहे थे, हजारों हाथ बाणासुर के कट चुके थे। बाणासुर को भगवान कृष्ण जब बाण मारने वाले थे मृत्यु के लिए, शंकर भगवान ने कह दिया आप नहीं मार सकते, क्योंकि आपने प्रहलाद को वचन दिया है कि तेरी 18 पीढ़ी पर मैं कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, उनके प्राण नहीं हरूंगा। ये प्रहलाद की पीढ़ी में जन्मा है, इसलिए तुम इसे मार नहीं सकते हो, कृष्ण तुम इसे मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे बाणासुर किसी से नहीं मरेगा, बाणासुर केवल एक कन्या से मरेगा, इसलिए पार्वती जी ने कन्या का रूप रखकर उसको मारा था। कन्या कुमारी उसी का प्रताप है। अर्धकुमारी उसी का प्रताप है, कन्या का रूप लेकर मारूंगा। अर्धकुमारी में मां बैठी कुमारी का रूप रखकर, कुमारी कन्या का रूप रखकर, आज भी नेपाल की भूमि पर कन्या का पूजन होता है, कुमारी कन्या का पूजन होता है। आज भी नेपाल की भूमि पर इस नेपाल देश में एक नियम है, यहां पर अब है कि नहीं पता नहीं खेतान जी, पहले ऐसा नियम हमने शास्त्रों में अध्ययन किया है, पढ़ा है कि यहां एक कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है, आज भी कि नियम की नहीं है, है यहां कन्या को देवी के स्वरूप में पूजा जाता है। छोटी सी कन्या जो रजो धर्म से नहीं आती, छोटी सी कन्या उसको देवी बनाया जाता है और उसकी आराधना करी जाती है, पूजन करी जाती है, चरण पूजन करी जाती है। कौन ने कहा कि यहां नेपाल की भूमि पर कन्या के पूजन का प्रमाण क्यों आया? क्योंकि माता पार्वती जी बैठी उस डोलेश्वर की भूमि पर शंकर भगवान की आराधना करने के लिए, एक तक होकर शिव की आराधना में मां जगत जननी पार्वती बैठ गई। तब देवाधिदेव महादेव आए, पार्वती से कहा बाणासुर को तुझे मारना है। पार्वती कहती है मैं कैसे मार सकती हूं? पार्वती
बाणासुर ने वचन मांगा था, मैं किसी से नहीं मरूं कन्या के सिवा। कन्या में इतना बल नहीं होता कि वो असुर को मार दे, राक्षस को मार दे। पार्वती जी ने एक कन्या का रूप धारण करा और कन्या का रूप धारण कर पार्वती जी ने जो बाणासुर को भगवान कृष्ण ना मार सके, जो बाणासुर को महादेव ना मार सके, वो बाणासुर को स्वयं पार्वती जी छोटी सी कन्या का रूप धारण कर उस बाणासुर का संहार कर देती है। तो वो डोलेश्वर में जाकर बैठ कर कन्या बनकर प्रकट हो जाती है। वो कन्या का रूप धारण करती है, इसलिए नेपाल की भूमि पर देवी को कन्या माना गया और कन्या को देवी माना गया। छोटी सी कन्या में देवी का स्वरूप माना जाता है, उसकी पूजन, उसकी आराधना, उसकी अर्चना। कोई पूछे कि हमारे नेपाल में ऐसा क्यों होता है, कन्या को देवी क्यों माना जाता है, तो उसको कथा बताना चाहिए कि बाणासुर को मारने के लिए माता पार्वती ने डोलेश्वर पर तप किया था और तप कर महादेव ने बाणासुर के संहार के लिए, वो बाणासुर जिसने माता पार्वती के भाई क्रोंच को बार बार दबाकर उसके प्राण हरने का प्रयास किया था, मेनावती को वचन दिया था, तो अपने भाई को उस भाई का बदला लेने के लिए माँ जगत जननी उस बाणासुर को कन्या बनकर मारने के लिए जाती है। सहजता है, बस कह दिया डोलेश्वर महादेव की जय। पर उस डोलेश्वर के महत्व को कौन समझे, क्यों हमारे यहां कन्या का पूजन होता है नेपाल में, क्यों कन्या में देवी मानी जाती है नेपाल में, क्यों उसकी पूजन होती है नेपाल में। हमारा नेपाल देश कन्या का पूजन क्यों कर रहा है, उसका गुणगान हमारे चित्त वृत्ति में होना चाहिए। कारण क्या है, क्यों डोलेश्वर महादेव की महत्वता ज्यादा है, क्यों लोग आते हैं पशुपतिनाथ का दर्शन कर निकल जाते हैं। मेरा एक निवेदन इस कथा के माध्यम से, दुनिया के किसी भी देश से आना और एक बार अगर नेपाल आओ तो पशुपतिनाथ का दर्शन करना और उसके बाद में डोलेश्वर बाबा का दर्शन जरूर कर जाना, तब जिंदगी का सुख पाओ। एक बार डोलेश्वर का दर्शन कर वो देखो देवाधिदेव महादेव क्या अलमस्ती में बैठे हैं, आराम से आनंद के साथ, शांति एकांत आनंदता है वो आनंद। वो तो खेतान जी को ये कथा बीरगंज में कराना थी, नहीं तो हम ये कथा उठा के डोलेश्वर ले जाते, इस कथा को हम डोलेश्वर ले जाते। वो तो ये कथा खेतान जी को बीरगंज वालों के लिए कराना थी कि हमारा बीरगंज का लोग सुने, नहीं तो उठा के ले जाते हम इसको डोलेश्वर। हम कह देते खेतान जी को, स्वामी जी से कह देते हम तो कि इसको ले चलो वहां डोलेश्वर की धरा पर, महादेव के चरणों में सुनाया जाए, जिसकी कथा है वो खुद सुने। और आज अच्छा लगा कि डोलेश्वर महादेव से जब ये बाबा का प्रसाद आया तो ऐसा लगा कि मेरा बाबा खुद यहाँ आ गया, विश्वास जागा। वो अब सोचो शिव महापुराण वहाँ तक नहीं गई, पर मेरा बाबा को तो यहाँ आना पड़ा ना, आया ना, वो पहुँच गया ना यहाँ, इसके रूप में वो यहाँ पहुँच गया। वो इस कथा में रुद्राक्ष की मालाएं नेपाल वाले बहुत चढ़ाए हैं, हमारे यहाँ भी कुबेरेश्वर धाम पर जब से 17 तारीख से यहाँ कथा चालू हुई, हमने भी सोच लिया था 17 तारीख शिवरात्रि का दिन रहेगा, जो मासिक शिवरात्रि आती है 17 तारीख को थी, तो हमने भी सीहोर में खबर करवा कर कह दिया यहाँ डोलेश्वर कथा चालू हो, वहाँ रुद्राक्ष का वितरण सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चालू कर दो, साल भर बांटते। अब लोग साल भर में कभी भी आप लिख लेना 17 मई को चालू हुआ है, तो अगली 17 मई के बीच में कभी भी आप सीहोर आएंगे, कुबेरेश्वर धाम पहुँचेंगे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, कभी भी पहुँचोगे बाबा का प्रसाद अमृत तुल्य जो रुद्राक्ष कंकर शंकर की धरा का है, जिसको पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पिया जाता है, किडनी लीवर कैंसर आदि कादिक में लोगों को लाभ होता है। गले में एक माँ ने लिखा है, मेरी बेटी सीहोर का रुद्राक्ष पहनी थी और उसका एक्सीडेंट हो गया, पूरी गाड़ी खल्लास हो गई। कहाँ कोई बैठी है माँ जिसने पत्र लिखा था, जिसकी लड़की की पूरी गाड़ी समाप्त हो गई,
और मेरी बेटी बाबा देवाधिदेव महादेव ने बचा लिया, उसका रुद्राक्ष उसके साथ था, ये शिव तत्व है महाराज, ये ओघड़ी का तत्व है, उसको पहचानो। और केवल रुद्राक्ष लेकर नहीं, जब तुम सीहोर के कुबेरेश्वर धाम पर जाओ, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जाओ, वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात कहकर बाबा से पाथरी पूजन कर कंकर शंकर की पूजन कर जब वापिस आओ, बेग मत खोलना, 3 महीने तक बंदे रहने देना, 3 महीने में बाबा तुम्हारे मन की अभिलाषा पूरी करेगा, वो ही बेग लेकर वापिस बुला लेगा। ये शिव तत्व वो ओघड़ी है, ओघड़ी सहज नहीं है शिव। मेरा भोलेनाथ सहज नहीं, उसको जानना, उसको समझना, उसको पहचानना सरलता का विषय नहीं। शिव तत्व तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहार। जैसा कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि मुझे भोलेनाथ से शिव मन की बात कहनी है, तो एक बेलपत्री चढ़ाकर बोल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।